बिहार के गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के सिलौजा गांव के महानदी में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। खबर लिखने तक शव निकालने में प्रशासन की टीम पूरी तरह असफल रही, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रशासन की तरफ से कोई बेहतर कदम नहीं उठाया गया। घटना सुबह 8 बजे की है और लगभग 1 बजे तक NDRF की टीम मौके पर नहीं पहुंची। वहीं मृतक युवक सिलौजा निवासी पप्पू पांडे के पुत्र बताए जा रहे हैं, जिनकी उम्र लगभग 20 साल है। स्थानीय लोगों के द्वारा खोज किया जा रहा है, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। लोगों का कहना है कि डैम निर्माण कंपनी के द्वारा गड्ढे की भराई नहीं की गई थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ। घटना हो गया 2-3 घंटा। बजे की टाइम लोग कितना बजे? 9 बजे। 9 बजे के लगभग घटना है। क्या हुआ था यहाँ पे? लेकिन साथ में सब नहा रहा था और नहाते नहाते वो लड़का नहीं निकला नीचे पानी में से, तो सब लेकिन समझा कि है नहीं, तो बाकी लोग छोड़ के भाग गया, हल्ला कर दिया। उसी दरमियान सब लोग यहाँ दौड़ के खोज रहे हैं। क्या बच्चा की पहचान हुई है? जी, बच्चा की पहचान, पहचान क्या, बच्चे की पहचान हुई है? किसका बच्चा है, कितना उम्र? वो रामनाथ जी का पोता है, पप्पू जी का बेटा है, पप्पू पांडे सिलौंजा के रहने वाला है। कितना साल का बच्चा है? 18 साल। कितना बजे लगभग ये घटना? 9 बजे। क्या अब तक प्रशासन कुछ नहीं एक्टिव है इसमें, कुछ नहीं कर रही है? खोजबीन के लिए किस तरह कुछ नहीं कर रही? हम लोग तो बहुत बोले हैं गोताखोर को बुलवाइए पटना से, लेकिन इसमें कोई सीरियस नहीं है। कितना घंटा अब तक बीत चुका? कम से कम वही 9 से जोड़ लीजिए 3-4 घंटा से। 3-4 घंटा से लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई छानबीन नहीं हुआ, कोई खोज खबर नहीं है। निकल ही नहीं रहा नीचे से, निकल पकड़ाएगा तब तो। और प्रशासन के अधिकारी? साहब लोग खड़े हैं, लेकिन इसमें कोई एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। नहीं नहीं, फोन किए हैं, फोन किया है, जब तक आएगा नहीं आदमी तब तक हम लोग कैसे? उनका काम फोन करना ना है। बोले तो कि हम फोन किए हैं, लेकिन देखिए पासपोर्ट देखेंगे।